दिल्ली से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल मामले में करप्शन के बड़े आरोप लगाए, साथ ही दिल्ली में पानी संकट को लेकर भी बयान दिया है। दिल्ली के जो सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। हर्ष मल्होत्रा जी, राजनीतिक हलचल बड़ी हुई है दिल्ली में, खासतौर से अरविंद केजरीवाल, उनको जमानत नहीं मिल पाई है और एक बार फिर पेशी है। देखिए, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल साहब के भ्रष्टाचार की जो परतें हैं अब वो खुलनी शुरू हुई। 2022 में कांग्रेस ने इनके खिलाफ सीबीआई में कंप्लेंट दर्ज की थी, आज उसी के कारण सीबीआई ने अब इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया है। तो अब ये एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरह से। अब इनको जितना मर्जी झूठ बोल लें, दिल्ली की जनता को भी समझ में आ चुका है कि ये अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए। और आज दिल्ली में पानी एक बड़ी समस्या बना हुआ है, जल संकट का हम संकट देख रहे हैं, तो इसको कैसे दूर करेंगे? पानी का संकट तो इनके नेताओं ने, केजरीवाल की सरकार के नेताओं ने टैंकर माफिया के साथ नेक्सस करके, षड्यंत्र करके पानी की बड़ी पाइपों में बड़ी बड़ी लीकेज करने के बाद, ताकि वहां टैंकर में फ्री में पानी भर सके और लाखों रुपए में बेच सके, ये इनके द्वारा क्रिएटेड भ्रष्टाचार षड्यंत्र है। दिल्ली के मौजूदा संकट में दिल्ली की जनता को निजात मिले, कोई नुकसान ना हो, इसके लिए केंद्र के मंत्री होने के नाते आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? पीने का पानी दिल्ली की जनता को बिल्कुल मुहैया होना चाहिए। जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है, जो कि अपनी हठधर्मिता और भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे पा रही है। उसमें जो कुछ भी केंद्र की तरफ से हमें करना चाहिए, हमने पहले भी किया है, आगे भी दिल्ली की जनता को पानी मिले, इस बात की चिंता है। धन्यवाद बात करने के लिए। और हर्ष मल्होत्रा जो केंद्र में मंत्री हैं, दिल्ली कोटे से हैं, वो दिल्ली की समस्या जल संकट को लेकर बात रख रहे थे, तो वहीं करप्शन के इशू पर भी आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रहे थे। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।